हाँ मुझे पता चला कोयना निकल गई है. वो एक्चुअली शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. वो जो सोचती हैं वो कहती हैं, जो उन्हें फील होता है वो बोलती हैं, और वो दो बार नहीं सोचती. उनका कनेक्ट कहीं ना कहीं नहीं हो पाया क्योंकि वो भी शायद फेक नहीं रह पाई. मगर उन्होंने कनेक्ट बनाने की मेरे हिसाब से ज़्यादा मेहनत भी नहीं की. तो व्हेन शी केम आउट आई वॉज नॉट वेरी सरप्राइज्ड, बट शी इज़ अ गुड गर्ल. Yeah, I don't know about this. I hope that she doesn't take it seriously because eventually game hi hai aur 3 mahine ka hi hai hamari zindagi aur hamari puri zindagi bahut badi hai aur you know this is not obviously the end of the world aur mujhe lagta hai ki Koyna ko itna seriously nahi lena chahiye and if she's come out she should just enjoy the life that she's in and after a long time people have seen Koyna again and she looks pretty, she looks nice, she should just be proud of what she is. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज मैं फर्स्ट आई हूँ. लोग क्यूरियस हैं. ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत पहले हफ्ते में नहीं होती और ये मैं मानने से रिफ्यूज़ करती हूँ. डेवलप होती हैं फीलिंग्स, लव एट फर्स्ट साइट भी होता है, एक अट्रैक्शन होती है मैं मानती हूँ, लेकिन प्यार, जलसी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो पहले हफ्ते नहीं होती, तो वो मेरे हिसाब से फेक है. एंड इनोसेंट लोग होते हैं, आई एग्री, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों ने दुनिया भी देखी हुई है तो देर इज़ अ, वो ऑडियंस हमारी आई थिंक खुद देखते देखते देखेगी और समझेगी. तो देर इज़ अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस विच आर प्रॉबेबली नॉट रियल देयर, विच आर देयर. ऑल राइट, थैंक यू.